हमारे तरफ से होली के हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बीजेपी परिवार को और अपने सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और रांची वासियों सभी को महेश सोनी की तरफ से नमस्कार और हार्दिक शुभकामना होली का। बिहार में महागठबंधन के साथ पप्पू यादव आएंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात कर पप्पू यादव ने बीजेपी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव के साथ आने की बातें कही है। पप्पू यादव ने कहा है कि सीमांचल के इलाके में राजद के साथ मिलकर बीजेपी को रोकेंगे। परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे हमेशा हमारी मुलाकात होती रही, हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी, हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया है और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है बीजेपी को रोकना, मैटर रखता है कमज़ोर तबके की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के बीच में जो डर है उस डर को ख़त्म करना ही हम दोनों की प्राथमिकता है। और हम लोग मिल के लड़ेंगे, कांग्रेस नेतृत्व के साथ होंगे और मैं चाहता हूँ इस देश का जो दिल जीता है वो इस देश का पीएम हो। हर की मत पूर्णिया से आपकी तैयारी है? मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है निश्चित रूप से, उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है, कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी खून मेरी माँ है, पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर वहाँ ना कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ, हर व्यक्ति हर परिवार मेरे दिल में है, पूर्णिया मेरे सांसों में है, पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता। किस पार्टी से गठबंधन होगी? इंडिया के अलावे दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता है। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है, हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ, आरजेडी के साथ या फिर कांग्रेस, किस पार्टी में आप? भैया इंडिया गठबंधन में ना आरजेडी अलग है ना कांग्रेस अलग है, आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता मेरा है, था, रहेगा। और आरजेडी नेतृत्व जो आज तेजस्वी जी है उनको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है, उनके साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से खड़ा होना मेरा दायित्व और रहेंगे। तेजस्वी के भविष्य को कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा मैं किसी का भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है वो बहुत बेहतर किया है और मुझे लगता है मैं किसी के भविष्य के लिए तेजस्वी जी, यदि मेरी छोटी ताकत होगी ना एक गिलहरी वाली, तो मैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में 25 में चाहूँगा कि वो मजबूती के साथ सरकार बनाए। दावा लगातार कर रही है कि वो 40 के 40 सीट बिहार में जीते, कि उसको कैसे आप लोग रोकेंगे? देखिए मैं 65 जीत रहा था वो झारखंड, 24 भी नहीं जीते, औकात पे रह गया, फील गुड था वो भी बर्बाद हुआ। पहले ही हुआ है कि ये किस इसका जो एबीएम है, एबीएम के अलावे ये दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है जीतने का, कोई रास्ता। देश का कोई भी सर्वे या कोई भी लोग, खासतौर पर किसान और मजदूर वर्ग और युवा मोदी जी से और छोटे व्यापारी नफरत करते हैं, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुसलमान की चीज़ों में फंसे रहे, हम नफरत का आधार भारत का हो, अब कोई नहीं चाहता है। लोग चाहता है अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी, किसान चाहता है मेरी सिक्योरिटी, युवा चाहता है मेरी सिक्योरिटी, और ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। इसीलिए देश में
नरेंद्र मोदी जी और की जो राजनीति और वे है वो हिंदू मुसलमान की है, इसलिए लोग अब इकोनॉमी और अर्थ की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। और नफरत आधार नहीं हो सकता है जीतने का, नरेंद्र मोदी जी का आधार ही है नफरत और ईवीएम। कोई नाराजगी कभी लालू जी के साथ नहीं रही। मैं तो पहले हर दिन जब भी ईडी सीबीआई हमला किया, पप्पू यादव हमेशा लालू परिवार के साथ खड़ा रहा है। कब हमारी दूरियां थी भाई? राजनीति रूप से हमारी पार्टी, हम अलग राजनीति करते हैं, वो अलग बात है। वो तो हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा और आइडियोलॉजी होती है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा लालू जी से कभी भी मेरा दिल का रिश्ता रहा है, आज भी है, आजीवन रहेगा। मैं बहुत क्लियर हूँ भैया, मैंने अपनी भावना कह दी है। मेरे लिए सीट कोई माने नहीं रखता, लेकिन मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया, मैं पूर्णिया से अलग नहीं हो सकता। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।